स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में 2024 के इलेक्शन को लेकर कई रैलियां और वेलकम किया जा रहा है, प्रोग्राम से इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि उसी सिलसिले में इस वक्त हम आए हुए हैं वेस्ट कामेंग के भालपुंग पे, जहाँ पे ट्रिजुनु बुरागांव के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सिटिंग एमएलए कह सकते हैं, जिन्हें खुमसी सिद्धू, जिन्हें बीजेपी का टिकट दिया गया है और एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट वो इस बार फिर से 2024 में वो उतरने वाले हैं एज अ एस्पायरिंग कैंडिडेट ट्रिजुनु बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैं बता दूँ इस वक्त हम है लोअर भालपुंग में, जहाँ पे आप विजुअल में देखोगे कि कई लोग आए हैं खुमसी सिद्धू को वेलकम करने के लिए। और अभी हम बोला जाए तो अभी हम लोअर भालपुंग के गेट के पास में, और ऑलरेडी आप, मैं कैमरा पर्सन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वो दिखाए, यहाँ पे कई लोग आए हैं। एंड सिर्फ मैं बता दूँ कि सिर्फ भालपुंग से ही नहीं, दूसरे जो ट्रिजुनु बुरागांव के कंस्टिट्यूंसी के दूसरे जगहों से भी लोग आए हैं उन्हें वेलकम करने के लिए। और मैं बता दूँ कि वो इस बार ही नहीं, अभी अगर इस बार वो जीतते हैं तो उनका चौथा बार रहेगा एज एम एल ए ट्रिजुनु बुरागांव, और थोड़ी देर में वो पहुँचेंगे। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ भालपुंग से नहीं, पूरे जितने भी ट्रिजुनु बुरागांव के लोग हैं वो आए हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो वेलकम के लिए बैठे हैं उनसे हम जानेंगे वो क्यों आए और वो क्या कहना चाहेंगे, उन्हें एज अ बीजेपी टिकट उन्हें दिया गया है। तो आप लोग यहाँ के जो जेड पी एम, साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे ब्लॉक के जेड पी एम भी आए हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जो भालपुंग के जो जेड पी एम उनसे हम जैसे जानेंगे कि आज का प्रोग्राम क्या के लिए। वैसे सभी जानते हैं कि खुमसी सिद्धू को रिसीव करने आए, लेकिन उन्हें क्या कहना है हम जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे। फाइनली कह सकते हैं बहुत मशक्कत के बाद में बीजेपी टिकट मिल गया और आप सब यहाँ आए उन्हें रिसीव करने, क्या कहना चाहेंगे जी? थैंक यू। मैं भालपुंग का जेड पी एम है, मैं मेरा साथ में और चार जेड पी एम है बिचोम सिंचोंग त्रिजुनो का। तो आज हमारा खुमसी भाई को हमारा जो बीजेपी पार्टी का टिकट मिला है, मैं इसको रिसेप्शन के लिए सब हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना भी लोग है यहाँ बुलाया गया है। क्या कहना चाहें टिकट को लेकर, क्या कहना चाहेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है और सिर्फ भालपुंग के नहीं, दूसरे जितने भी ट्रिजुनु बुरागांव के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आए हैं उन्हें रिसीव करना चाहेंगे, करने आए हैं एज अ भालपुंग जेड पी एम, आपका क्या कहना, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना हूँ कि खुमसी जी को हम इस बार 2024 में जिताएंगे पार्टी टिकट से, उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को सुंदरता डेवलपमेंट लाने के लिए। और जो टक्कर देने के लिए जो उतरे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? टक्कर जो देने के लिए हमारे टेंजन ग्लो भाई जो आया है वो अनऑफिशियली मतलब उसको कैंडिडेट आया है, तो भी मैं ये मानता हूँ कि टेंजन ग्लो भाई जो इस बार मेरा ख्याल से थोड़ा बैठ जाने से ठीक था, क्योंकि भुगुन आखा में दोनों जो कैंडिडेट है, हमारा प्रेजेंट जो एमएलए सिटिंग एमएलए है उसको इस बार 2024 इलेक्शन में और एक बार मौका दे के देखने से अच्छा था। थैंक यू सो मच। चलो ओके, अभी हमारे साथ वांगहो ब्लॉक के जेड पी एम रेखा मार्फी जी भी है, उनसे हम सीधे जानेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कम्युनिटी बेस भी चलने सुनने को आ रहा है, आका बुगुन ऐसा चल रहा है, लेकिन अभी कभी तो ऐसा सुनने में नहीं, लेकिन अभी कैंडिडेट निकल के आए क्योंकि आपके खुद के कम्युनिटी से भी अभी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस बार कोई कम्युनिटी बेस में नहीं है, जैसे कि अभी तेंजिन निमा गोलो के पास भी बहुत सारा आका है, तो ऐसे मतलब बुगुन भी बहुत सारा खुमसी जी के साथ भी है, इसमें कोई जात पात का नहीं है, जो हम लोग अच्छा नेता है उसी को चुनेंगे, और हम लोग अच्छा नेता खुमसी ही है अच्छा नेता। तैयार कितने हैं आप सब, क्योंकि जेड पी एम साथ में है, क्योंकि आप एज ए वुमेन एम्पावरमेंट आप रिप्रेजेंट भी कर रहे कह सकते, तो कितना तैयार है ट्रिजुनु बुरागांव खुमसी जो सिटिंग एमएलए भी और बीजेपी के ऑफिसर कैंडिडेट भी, कितने तैयार है आप सब? तो हम लोग अभी जोर शोर से तैयार में है, खुमसी का अभी तक में मेरा हिसाब से 80% पूरा पूरी तैयारी में है। तो जीतने के लिए श्योरिटी पूरा है हम लोग की तरफ से, तो एकदम श्योर है कि खुमसी जैसे भी जीतेंगे। थैंक यू सर। अभी यहाँ पे एक अंकल थे, जब हम यहाँ के जेड पी एम बाकी जेड पी एम से इंटरव्यू ले रहे थे तो अंकल कुछ कह रहे थे, तो अंकल से हम सीधे जानेंगे। अंकल आप कुछ कह रहे थे कि खुमसी कुछ कह रहे थे आप? खुमसी तो जीतेगा, पक्का जीतेगा, वो तो उसमें तो कोई दोरा ही नहीं है जी। आप कितने साल से यहाँ पे है? तो हर बार जितने अभी 2009 से वो एज एम एल ए वो आ रहे हैं, अभी चौथा बार उतर रहे हैं फिर से, तो वो श्योर है? श्योर श्योर 100%। और जो अपोजिशन उतरे उन्हें काम से गया ठीक है, तो
तो अभी यहाँ पे जैसे हमने कहा कि जितने भी लोग हैं, सिर्फ ट्रिजन बुरा गाँव के लोग, भलपुंग के लोग नहीं, दूसरे जगहों से भी लोग आए हैं। और आप सब ग्लिम्सेस में देखो कि लंबी लाइन लगी हुई है पूरे लोअर भलपुंग से लेकर कह सकते हैं अपर भलपुंग तक पहुँचने को आया, जो लाइन रिसीव करने के लिए जो आए खुमसे सिद्धिसो को। और जैसे यहाँ का कहना है कि जो अपोजिशन उतरा है उसका तो काम गया, काम से गया। अभी देखना ये होगा कि क्या होता है। और हमारे साथ बने रहे, हम आप सबको ग्लिम्सेस दिखाएंगे एग्जैक्टली आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है और कितने लोग आने वाले हैं उनके उनको रिसीव करने के लिए। देखते हुए आप सभी लोगों को शुक्रगुजार करते हुए मेरा तहे दिल से जितने भी यहाँ जो उपस्थित हैं आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आज इस रिसेप्शन का प्रोग्राम में हमारे 5 ZPM 6 रीजनों बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करते हैं। और हमारा 6 रीजनों बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सुगुन समुदाय और आका समुदाय, इन दो जातियों के साथ हमारे जितने भी हमारा अरुणाचली सीबीओ जितने भी जो बसे हुए हैं और हमारा देश के सीनियर सिटीजन जितने भी यहाँ जो बसे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं दिल से आप सभी लोगों को इस मंच में स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे 2009 से आज तक ये बना रखा जो है आप सभी ही लोग ने मिलकर बनाया है। इसलिए जनता ही जनार्दन होता है। इसलिए ऐसे आज एस्पिरेंट कैंडिडेट होने के नाते आप सभी लोगों को मैं बहुत अंदर से, बहुत दिल से आप सभी लोगों ने इस क्षेत्र को बचाने का जो मुझे मौका दिया है इस 15 साल के कार्यकाल में, आप सभी लोगों ने फुट बिजनेस किया होगा। इस बिजनेस के साथ में आज इतना बड़ा तादाद में आप सभी लोगों ने भलपुंग में पूरा भरपूर 6 रीजनों बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी जनजाति जितने बसे हुए आप सभी लोगों ने यहाँ जो प्यार जो दिया है, फिर से आप सभी लोगों को मैं सलामी करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यही प्यार, यही मोहब्बत, ये एक दूसरों का इंसान इंसानियत का नाते एक दूसरों का जज्बात को समझना और समझकर एक दूसरों को लेकर चलना बहुत ही जरूरी समझता हूँ। आप सबने हमसे भी ज्यादा समझकर आप सभी लोगों ने मुझे समर्पित किया है। तो आज का इस शुरू को देखने से आप सबका प्यार मोहब्बत जो पहले से जितना था उससे भर कर भी आज वही प्यार आप सभी लोगों ने मुझे देके रखा हुआ है। इसलिए मैं सभी यहाँ जो उपस्थित है, इसलिए जितने भी हमारा अम्मा है, हमारा पिताजी है, हमारा दीदी है, हमारा बाबी है, हमारा बहन है, हमारा बुआरी है, हमारा यूथ जो भी जनजाति आज यहाँ जो आए हुए हैं,
बहुत दिल से ऐसा बना रखिए कि हमारा सिक्स डिविजनल बुरागांव कंस्टिट्यूंसी जो डेवलपमेंट जो बचे हुए हैं उसका पूरा करने का आप सबने आज समझकर फिर समर्पित जो देने जा रहा है दे रहा है उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा आप सबको। हमारा बालापुंग में स्पेशली अरुणाचली या दोनों अरुणाचली जितने भी जो बसे हुए हैं यहाँ में खुमनिल घाट ना खेले, हमारा सिक्स जीरो बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खुमनिल घाट ना खेले। इतना शांति पर्वत से मैं लेके चल रहा हूँ, क्षमता भी है, जवान भी है, दिमाग भी हूँ, देश भी हूँ, सब कुछ ठीक हूँ, मैं सबको लेके चलने का क्षमता रखा हूँ और इसलिए आपका दिल में रखकर मेरा बात और बातें को समझकर ये 27 देश जो है ऐसा इम्पोर्टेंट देश होगा कि हमारा सिक्स डिविजनल बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जनता का डेवलपमेंट को होने नहीं देने के लिए फिर से हमें एक बार बनाइए, बनाकर हमारा साथ में भी हर जो भी जनजाति चाहे निशी हो चाहे आका हो मीजी हो मम्पा हो धर्मपेन हो आदि हो गालो हो अपनानी हो नोकले हो सिंको हो तंगसा हो हमारा जितने भी नेपाली हो गोरखा हो आदिवासी हो और मरवाड़ी हो बंगाली हो आसामी हो कोई भी जनजाति हमारे सिख रिजनों बुरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो फंसे हुए हैं आप सभी लोगों को मैं हर समय हर वक्त जितना जो सीखेगा और करना भी है और करके भी जाएंगे आप सबके लिए 24 आवर्स मैं जब से विधायक बना हूँ वही चीज को मैं बार 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 कहीं भी मौका मिलता मैं बोलते रहता हूँ 24 आवर्स सेंगा में भी एक कैंप होमसेलैंड में भी सेंगा में एक कैंप एक बना के रखा हुआ है, बालापुंग में एक कैंप बना के रखा हुआ है, फैमिली में एक कैंप बना के रखा हुआ है, ईटानगर में एक कैंप बना के रखा हुआ है। आप सबको पता हुआ कि वही घर जो है हम पूरा जनरल और जनरल करके सभी लोगों का साथ में प्यार मोहब्बत से रहता हूँ। इसलिए आज का दिन तक भी आप देख रहा होगा सुन रहा होगा आज का दिन में करप्शन में चार्जशीट लगा नहीं है, कितना दुनिया से भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने उसी लाइन को सोचा ने देखा नहीं है। इसलिए जो अगला जो काम बचा है इस 27 देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है इसको जो है आप सब जो है दिल में रखते हुए एकदम खरीदा में अंदर रखते हुए यहाँ में जो हमारा चुंगम भाई ने जो कहा है कि अफवाह जो फैला के जाता है अफवाह जो कहते रोमर जो फैलाता है उन सभी लोगों का बातें और बातों में ना जाए। हमारा पूरा भगवान सभी लोगों का भगवान एक ही है वही भगवान जो आप सबका तन मन को तेज नहीं होने देने के लिए भरपूर आप सबका आशीर्वाद दे उस आशीर्वाद के साथ में ये 27 डे और जिंदगी बाद बीमार ये सब ना हो ताकि आप लोग का तन मन जो है आपका हेल्थ जो है कि हम जो बच्चों का जनरेशन से उन सभी लोगों का या पढ़ाई के लिए या उसका हेल्थ के लिए उसका फ्यूचर भविष्य के लिए काम करने देने का जो मौका देने जा रहा है जो दे भी रहा है उसके लिए मैं कोटि कोटि आप सभी लोगों को सलाम करते हुए हमारा भाषण को हमारा बातें को हमारा बातों को आप सबका साथ में तन मन में शेयर करने का दिल रखा है। ट्यूमर है और बोलने जाएगा हम पार्टिकुलरली आपका बालापुंग और टीपी को गुमशी भाई जो है जरूर मेरा भाई है सिटी सो है लेकिन मेरा पास नहीं रहता है आपका रहता है बालापुंग में आप सब इसको खोलना नहीं है आपका यहाँ में आप लोग खोएगा आप लोग बालापुंग में यहाँ में बहुत चाट रहता है आप सब दो लीडर को ढूंढने जाएगा लेकिन 15 साल आपका साथ बैठा है और प्यार मोहब्बत आपका साथ है। 15 साल में उसने जो किया वो खुद देखिए और 15 साल में हम लोग खुमसी सर ने क्या किया खुमसी सर देखिए अगर 15 साल में खुमसी सर ने कुछ गलत किया कुछ डेवलपमेंट नहीं किया तो आज इतना पब्लिक उसको क्यों चाहेगा। डेवलपमेंट किया इसलिए तो चाहता है इसलिए हम लोग खुमसी सर को जैसे भी जिता के भेजना है और हम लोग बहुत मेहनत करके उसको जिता के भेजते हैं। हम लोग ये ख्वाहिश है कि खुमसी अच्छा से अच्छा मतलब पॉइंट नंबर से जीतना है। हमारा आज रिसीव सब का प्रोग्राम है तो रिसीव करके हम लोग जो आप लोग ने जो आज यहाँ पे इतना खूबसूरत डेलीगेट दिखाया गया है इसमें मैंने दिखाई दिया डायरेक्ट जीत गया ऑलरेडी
हम लोग तुमसे साहब बोल रहे थे, मैंने जीत ही चुका है। बालकपुंग टीपी में निशी आका मिजी बोगुन सरदुपन सरतंग ममता आदि गालो अपातानी बिहारी नेपाली आदिवासी असमीस हम सब यहाँ में जहाँ रहना चाहेगा वहाँ घर बना के रहता है, जहाँ खेत करना चाहेगा वहाँ हम खेत करता है। इसका मतलब हमारे कुमसी सिदिसो जी का लीडरशिप में रूसो आका समाज का शासन में हम सबको अनेक प्रकार अनेक जाति समाज के लोग को एक भाईचारा एक अपनापन विचार रखने का कारण से हम सब यहाँ में शांति से एक दूसरे को शांति से रह रहे हैं। हम सभी से मैं अनुरोध करूंगा मेहनत के साथ साथ आप जब पोलिंग होगा 19 अप्रैल को आप अपना भी मत भूलिए और साथ में अपना परिवार और सही जो पड़ोसी कवि लेके वोट डालिए, नहीं तो हमारा मेहनत का बेकार जाएगा। तो आप लोग भारत एक विकसित भारत बनने वाला है, संजय साहब अपना अरुणाचल प्रदेश भी विकसित अरुणाचल प्रदेश बनने वाला है और 6th त्रिशूला बोरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी विकसित बनने वाला है। और आप लोगों को ये मैं रिक्वेस्ट भी है सत्संग आप लोगों से मैं आशीर्वाद भी मांगता हूँ कि आप लोग ऐसे कीजिए, आप लोगों का दिल में धाम करके रखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को देश के लिए आप लोगों ने चुना है, तो आप लोग सबसे पहले आपको अपना जो संसद है आप लोग का प्रिय नेता है किरेन रिजिजू जी को संसद बना करके आप लोग का मत प्रदान दे करके उसको संसद बना करके बेचना पड़ रहा है पड़ेगा कि किरेन जी को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है, जिस प्रकार से अपना कुंजी सिदिसो जी को वोट दिया है तो आपका पेमा खांडू जी को वोट दिया है, सोच लीजिए। अगर आप कुंजी जी को वोट नहीं देता है तो पेमा खांडू जी का वोट नहीं दिया है। और ये क्लियर कट शब्दों में है कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ही आपको विकास दिला सकता है। ये हम सब के लिए एक खुशी का माहौल था और भाजपा का टिकट लेके जो यहाँ पहुँचे हमारा उम्मीदवार श्री कुमसी सिदिसो उसको हम हमारे इस बालकपुंग में स्वागत करते हैं और साथ साथ में जितने भी यूथ लीडर्स हैं आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले हमारा 6th त्रिशूला बोरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा क्योंकि आज वार्मली जो मुझे जो रिसेप्शन जो किया है तो खास करके आज 4000 तादाद में जो आए हैं उन सभी लोगों को और जो नहीं पहुंच पाया है लगभग हमारा 6th त्रिशूला बोरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14000 जो वोटर्स हैं और एज पर 11 सेंसस के माध्यम से हमारा 6th त्रिशूला कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है लगभग 36,000 पॉपुलेशन जो रहते हैं तो उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा और खास करके आज जो इतना हुआ हमने जो रिसीव जो हुआ है वो आशीर्वाद जो है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी और किरण भैया जी और बड़े भाई वागे जी उन तीनों का आशीर्वाद से टिकट मुझे ऑफिशियल टिकट जो दे के भेजा है हम इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा खास करके हमारा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश और पेमा जी को। हमारा जनता ही बता दिया कि जो भी चीज़ आज हमारा जनता ने बता दिया कि यहाँ का जो माहौल जो है यहाँ का जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है यहाँ का जो हमारा जनता लोग आज क्लियर कर दिखा दिया कि ये आने वाला चुनाव में उन सब जवाब दे देंगे वो लोग। जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा, 15 साल आपने क्या किया है? 15 साल मैंने थोड़ा पहले मेरा स्पीच में कहा कि इस 15 साल का कार्यकाल में मैंने डेवलपमेंट का दिशा में देखा, इसलिए मेरा स्पीच में क्लियर कर मैंने मैसेज लोगों को जो कन्वे किया कि जितना जो हम जो सेका है जी कन्वे किया कि हमारा 6th त्रिशूला बोरागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज के दिन में खास करके मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन और रोड कम्युनिकेशन और पावर सेक्टर और जितने भी बस्ती हमने पहुँचाया है तो खास करके आज वही चीज़
को देखकर जितना भी जो डेवलपमेंट करना चाहिए वो चीज़ आज हम कर रहा है, जो भी अधूरा है आज वो लोग जो है फिर समर्पित जो देने जा रहा है, समर्पित देने का बाद फिर भी काम करेंगे। लेकिन इस 15 साल में आप सब देख रहे हो, देख रहा होगा समझ रहा होगा, आज तक भी कोई भी चाहे ऑपोजिशन हो चाहे हमारा जो जो भी NGO जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक भी करप्शन में कभी भी वो लोगों ने अभी तक भी सामने नहीं ला पाया। ऐसे नहीं ला पाया कि हमने ये 15 साल में क्लैरिटी करके गया हुआ है, क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। जिस तरह से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जितना भी जो सेंट्रल स्कीम्स जो स्टेट का जो जितने भी स्कीम्स जो दिया है वही चीज़ को जो है हम बस्ती बस्ती तक लोगों तक पहुँचा के दिया है। तो इसी तरह आज से 8 महीना पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसके साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो 4 है उन सब आकर वेस्ट कमी जितने भी MLA से हम लोगों ने 31 प्रोजेक्ट जो है यहाँ उद्घाटन किया गया है, वही चीज़ जो डेवलपमेंट है। सर, नो डाउट आपकी तरफ से 15 साल में काफ़ी काम किया गया, कोई डिनाई नहीं करें। आई गेस जो अपोजिशन पार्टी है वो भी डिनाई नहीं करेंगी, लेकिन उनका एक एलिगेशन, उनके जब इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुआ था उनका कई उनका जो लीडर्स था उनका एलिगेशन लग रहा था कि डेवलपमेंट हुआ है लेकिन सेलेक्टिव लोगों को ही काम दिया जाता है, अपने परिवारवाद कह सकते हैं, इस तरीके क्या जा रहा है। तो एज अ MLA एंड एस्पायरिंग कैंडिडेट आपका क्या कहना होगा इसको लेकर? सर देखिए कोई भी हो अपोजिशन तरफ से तो कहे गए वो तो डेमोक्रेसी सिस्टम में जो सबको पता है, अच्छा चीज़ भी बोलेगा ख़राब चीज़ भी बोलेगा, मेरी भी बोलेगा दी मेरी भी बोलेगा, लेकिन ज़्यादातर वो लोग जो है दी मिनट का बाद ही करेंगे। तो उसी तरह आज देखिए हमारा परिवार में आज तक भी हमारा 6th Trigono ब्राउन कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं कर रहा है। और सेकंड जो है जितना भी जो चाहे SIDF बोलो चाहे सादा बोलो आधा बोलो RE बोलो BE बोलो चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स बोलो RIDF बोलो चाहे NLCPR बोलो चाहे CRF बोलो जो भी स्कीम्स जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ इमरजेंसी ने दिया है वो चीज़ जो है बस्ती बस्ती में पूरा पहुँचा हुआ है। जिस बस्ती में दिया है वही बस्ती का लोगों ने काम किया है, उसमें ये नहीं कि हम मेरा लीडर लोग को सिर्फ चुन चुन कर दिया, ऐसा नहीं है। जिसको भी दिया जो है वही बस्ती वाला ग्रुप करके दिया है, इसलिए जिस बस्ती में डेवलपमेंट नहीं आया ये बस्ती में ये आदमी को दिया बोलने से वही बस्ती वाला लोग ने जवाब दे दिया कि ये ऐसा नहीं ये ऐसा है। इसलिए आज हर एक बस्ती से पूरा समर्थन जो दिया है आप सब खुद ही विनेश किया है। सर, हमने देखा है कि जितने भी गांव हैं वहाँ पे मोटरेबल हो चुका है, लेकिन अगर बात करें नफरस का जो ट्राइजंक्शन है बिचू का वो बनना बाकी है, और बुरा गांव से जो जाता है बिचू वो बनना बाकी है, क्योंकि ये बोला जाए नेपो आ चुका है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी होना बाकी है, तो क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा या फिर ऑलरेडी आपकी तरफ से लिया गया है वो हम जानना चाहेंगे। सर, इसमें प्राइम मिनिस्टर घाटी शक्ति प्राइम मिनिस्टर घाटी शक्ति स्कीम से PMO ऑफिस से एक सीनियर IAS 2 आए थे, उसके बाद हमारे अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और हमारा वेस्ट कमी के DC और कंसर्न जो सिंगचोंग के ADC है, हमारे 30 के ADC है, और उस आज तो मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट में होके आया हूँ लेकिन उस वक्त भी मैं MLA था, हम खुद भी था। तो उसे करके NH 514 जो जैसे पालीजी से लेकर नेचिपू तो जो होस्ट नेचिपू उसमें जो है पालीजी तो सकरण से प्रिंस से बिचमदेम, उसके बाद ये पिंजुली से लेकर कुप्पी किमी तेंगादेम बुरांगो एंड बिचम, उसके बाद जोंगचा जो आपने जो सवाल किया है वो जो है नफरा, उसके बाद दाहू तो मागुपम नमफ्री, उसके बाद दिचिन के बाद बिचम। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ऑलरेडी ये स्कीम्स जो है ऑलरेडी जा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब ये 19 नवंबर जो इटानगर जो हवाई अड्डा वहाँ में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो हमने जो इनोग्रेशन जो किया है जिस तरह से 600 मेगावाट जो इनोग्रेशन करते समय उन्होंने ये कहा कि वहाँ का जो 600 मेगावाट वहाँ का जो आसपास में जितने लोग जो रहते हैं जितने भी जो अरुणाचली लोग जो रहते हैं उन लोगों को जो है ऐसा बेनिफिट मिलना चाहिए कि हर एक चीज़ जो है सुविधाएँ उन लोगों को मिलना चाहिए। तो उसी समय अरुणाचल का गवर्नमेंट उन्होंने PMO ऑफिस में डिस्कस करने के बाद आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर घाटी शक्ति से ये 4 जगह से जो स्कीम्स जा चुके हैं ये रोड जा चुके हैं। तो इसलिए इस पर मैं जीत के निकालने के बाद मैं फॉलो अप करेंगे इस रास्ता को पूरा फुली 4-2 लेन बनाने का और ये सोलिंग मेटलिंग ब्लैक टॉपिंग वो पूरा बनाने का मैं पक्का करेंगे, और खास करके बिचम से जो दिचिन जो NLCPR से जो लगभग 45 किलोमीटर्स है उस 45 किलोमीटर्स में जो इस पर मैं इलेक्शन फर्स्ट आ गया बोलकर
उसमें भी मैं बीचों में जाके मैं आश्वासन दिया था, वादा किया था, अगर मैं इस रोड को अगर मैं सेंक्शन नहीं कराएंगे तो हमें वोट मत दीजिए। लेकिन मैं सेंक्शन भी करके ला दिया हूँ, लेकिन इलेक्शन आ गया बोलकर आज इसको जो रोड को कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है। तो मैं हमारा सिक्स रीजनल बुरांगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को मैं यही एक संदेश देना चाहेगा, यही एक मैं बताना मैसेज देना चाहेगा कि बीचों तू दीचन ये रोड भी सेंक्शन हो के आ चुका है, 10 crore 10 lakhs आ चुके हैं। सर एक बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, आई गेस काम बहुत हुआ है, नो डाउट, हम भी गए थे गांव गांव में, देखा आपकी तरफ से जो होना चाहिए तो हुआ है, लेकिन 15 साल होने के बाद अभी चौथा बार के लिए आप ऐसे कंटेस्टिंग कैंडिडेट आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को दूसरे जो अपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनसे बेहतर मानेंगे और आपको फिर से चुनना चाहिए बोलना चाहेंगे? देखो डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेसी सिस्टम में कोई भी हो उठ सकता है, तो मैं क्यों डिनाई करेंगे कि उन्हें लड़ना है, लड़ना उसका भी दायित्व है, उसको भी गलत राइट्स है, लड़ना चाहिए। लेकिन मेरा तरफ से भी जो भी लड़ने जा रहा है उसको भी ये संदेश है कि पॉलिटिक्स आएगा जाएगा, लेकिन पर्सनल दुश्मन में नहीं खेलना चाहिए। इसलिए थोड़ा पहले हमने स्पीच में भी क्लियर कर बोला कि हमारा सिक्स रीजनल बुरांगा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने इस 15 साल का कार्यकाल में मैंने बिल्कुल कोई भी जनजाति को लेकर हमने अच्छा से अच्छा लेके चला है। इसलिए हम ये चाहेगा कि बाहर से हायर करके यहाँ में जो है कम्युनल कलर ना दे, कम्युनल कार्ड ना खेले। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मीडिया कलीग ने जो पूछा था टिकट को लेकर, उसी को ऐड करके मैं भी पूछना चाहूँगी। सर खबर ये भी आई थी कि जब खींचातानी चल रहा था टिकट को लेकर, लेकिन खबर ये आई थी कि त्रिशनो बुरागांव में कुछ खींचातानी हुआ नहीं, इतना सीधा डिक्लेरेशन टाइप का था, क्लियर कट था कि कुर्सी सीधी सो को ही बीजेपी टिकट मिलने का चर्चा चल रहा था ऐसा कहना, तो आपको क्या लगता है कि टिकट तो मिल चुका है और आधा जीत तो वही हो चुका है, ऐसे क्या कहना है, तो आप कितने तैयार और क्या कहना चाहेंगे टिकट को मिलने के बाद से? जो टिकट जो ऑफिशियल कैंडिडेट जब डिक्लेयर किया है, तो ऑफिशियल कैंडिडेट जो डिक्लेयर किया जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, उसको मैं बहुत बहुत सही दिल से धन्यवाद देना चाहेगा, और किरण भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा, और बड़ा भाई वाकी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। इसलिए धन्यवाद देना चाहेगा कि थोड़ा पहले मैंने आप सबको जिक्र किया कि हमारा सिक्स रीजनल बुरांगा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जो डेवलपमेंट जो किया है, उसी डेवलपमेंट को देखकर उन लोगों ने हिचकिचाया नहीं, सीधा क्लियर कट आज से 4 महीना पहले ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, आपका रास्ता खुला है। उन्होंने ये हमारा 5 ZPM को बुला कर भी इस तरह से समझाया बुझाया, इस तरह से उन लोगों को हमारा तरफ से भरपूर हमारा कमशी भाई का ऑफर में होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, आप सब भी उसको अच्छे से समर्पित करिए, उन्होंने ये आश्वासन ये चीज़ समझा के भेजा। इसलिए हमने सोचा कि डेवलपमेंट का दिशा में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी ने जब उस वक्त मैसेज दे चुका है, तो हमको बार बार जाके एक चीज़ को बोलना अच्छा नहीं लगा। इसलिए जब हम लोग 10 तारीख को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 9 तारीख को आकर चला जाने के बाद 10 तारीख को हमारा सिक्स रीजनल बुरांगा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लीडर्सगण है उन सबको लेकर उसको मिला, मिलने के बाद वो बोला कि 3 दिन रोकिए, 3 दिन रोकने के बाद वो रैली में भी आएंगे और उसमें भी बता देंगे कि हमारा ऑफिशियल केंद्र ये है ना, तो ऐसा करके उन्होंने समझा कर हम सबको भेजा है। तो ऐसा करने के बाद सचमुच का 3 दिन के बाद टिकट हमें मेरा ऊपर में ऑफिशियल केंद्र करके दिया है। सर आखिर में ऑलरेडी आपने स्पीच के दौरान आई गेस सभी अरुणाचल को पता है कि लास्ट इलेक्शन हाई मार्जिन से आप ही जीते थे, जैसे आपने भी कहा, तो इस बार के लिए आने वाले चुनाव को लेकर आपके तरफ से ऑलरेडी आपने मैसेज तो दे दिया स्पीच में, लेकिन हम चाहेंगे कि आप फिर से जितने भी जो भूले भटके कह सकते हैं जो आपको छोड़कर दूसरे टीम में गए या फिर कुछ भी कह लीजिए, अगर आप अपोजिशन को या फिर आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही चीज़ को मैंने थोड़ा पहले भी बोला है, डेमोक्रेसी है, उन लोगों को मैं ये मैसेज मैं देना चाहेगा कि माने पॉलिटिक्स आएगा जाएगा, कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, पर्सनल लेन देन नहीं होना है, और उसको जो है हर समय हर वक्त जो है इतना पर्सनल दुश्मन भी नहीं कर लेना है कि दोबारा हम मिलकर बात ना कर सकें। इसलिए हमारा जो ओपोनेंट जो आया है, जो हमारा तेंजिन भाई है, उससे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग का चैनल माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी टाइम है, नॉमिनेशन का विद्रोल का टाइम है, अब जब हर एक जगह में जिस तरह से अनकॉन्टेस्ट जा रहा है, तो हमारा तरफ से भी मेरा भाई को प्रयास ये रहेगा कि भाई आइए एनी टाइम, आपके लिए हम दरवाज़ा खुला है बात करने के लिए, और हो सके मुझे बुला लीजिए, मैं बात करेंगे चलो सिक्स रीजनल बुरांगा आपको भी डेवलपमेंट करा, आपको भी डेवलपमेंट करा, लेकिन मैं जितना जो डेवलपमेंट किया है कुछ अधूरा है, उसको करने का मुझे मौका देने से अच्छा है।